हेलो फ्रेंड्स, तो इंडियन एयरफोर्स का भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया फेज़ वन के लिए, आप देख सकते हैं आपके सामने है। और एक भाई मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भेजे कि सर हम लोग का एडमिट कार्ड आ रहा है धीरे धीरे करके। हाँ, अभी कह रहे कि वेबसाइट थोड़ा बिजी चल रहा है, हो सकता है लेकिन रात तक क्लियर हो जाएगा पूरा, यानी सब लोग का डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपको डायरेक्टली लेकर चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर कि कैसे आपको चेक करना है और क्या क्या प्रॉब्लम अभी आ रही है। ठीक है, तो देखिए सरकारी रिजल्ट के वेबसाइट पर भी अपडेट कर दिया गया है कि इंडियन एयरफोर्स का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स XY2 2020 एडमिट कार्ड। ठीक है, इस पर क्लिक कर हम चलते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर। नीचे आइए, नीचे आने के बाद डाउनलोड एडमिट कार्ड के सामने क्लिक करना होगा, क्लिक हर पर। ठीक है, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा अभी वेबसाइट स्लो होगा, मुझे भी पता है क्योंकि काम बहुत ही स्लो कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस टाइप से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप काम कीजिएगा कि अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इस पे क्लिक कर दीजिए, डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा। ठीक है, डेस्कटॉप मोड में क्लिक कर लीजिएगा। करने के बाद देखिए अभी थोड़ा वेबसाइट तो स्लो है, आपको भी पता है 502 बैड यहाँ पे दे रहे हैं गेटवे। तो देखिए हम आपको साफ साफ पूरा क्लियर कर दें कि आप लोग का एडमिट कार्ड आ चुका है फाइनली, और जो यहाँ पे इस टाइप से इंटरफेस दे रहा था कि अपना ईमेल आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल के अपना लॉगिन करके, देखिए यहीं पर आप समझ लीजिए डेस्कटॉप जरूर कीजिएगा, ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिएगा, पासवर्ड डाल दीजिएगा, और यहाँ पर जो कैप्चा शो कर रहा है ना इसको डाल दीजिएगा, और करने के बाद आप साइन इन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होगा इस पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर ज़्यादा आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाउट हो रहा हो कि सर मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप जो मेरा है ना ईमेल आईडी Ashish Gajiapur 6200@gmail.com पर आप भेज दीजिएगा, और या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दीजिएगा कि सर मेरा ये है, आप डाउनलोड करके दे दीजिए। ठीक है, हम कर देंगे, बट अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा मतलब पासवर्ड में तो हम भी आपको बताएंगे कि भैया आपका इस यहाँ पे दिक्कत आ रही है, फॉरगेट पासवर्ड करना होगा। ठीक है, तो बस आप लोग बिल्कुल मत घबराना, ये मत सोचना कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, सब लोग का आएगा एडमिट। ठीक है, देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप मोड हो गया, आपने डाल के सब चीज़ कर लेना है पूरा पूरा, यहाँ पर भी कुछ कुछ दिया गया आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर सब चीज़ डाल के अपना फॉर्म मतलब कि अपना जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, सिंपल सा है। और देखिए जिन लोगों को डाउट चल रहा है कि सर मेरा क्या आएगा या फिर नहीं आएगा, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, ये मत सोचिएगा कि मेरे फादर्स का नाम गलती है, माता का नाम गलती है, मेरा डेट ऑफ बर्थ गलती है तो मेरा नहीं आएगा, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, सब लोग का आएगा। जिन लोगों ने मतलब कि इसका जो फी लगा है 250 कुछ रुपये लगा है ना, तो मुझे भी पता नहीं पूरा कन्फर्म, तो जो भी लगा है अगर जिन लोगों ने पे किया है, जिन लोगों का अच्छे सबमिट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, उनका सब लोग का आएगा। ठीक है, ऐसा चीज़ नहीं है कि एयरफोर्स ऐसा नहीं करेगा कि पैसा लेकर एडमिट कार्ड नहीं देगा। हाँ, ये बोल सकता है एडमिट कार्ड देगा, आप मान लीजिए एग्ज़ाम में सिलेक्शन कर लिए, आगे बढ़े फिजिकल टाइम फिर या मेडिकल टाइम मेरिट टाइम, तो वहाँ पे दिक्कतें आ सकती है, थोड़ा बहुत आएगी, वो भी जानते लोग कि बच्चे कन्फ्यूज़न में गलती कर देते हैं, साइबर कैफ वाले गलती, वो भी तो एक इंसान ही है ना, वो भी सोचते हैं। ठीक है, आपने समझ गया कि यहाँ पर आके डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो भाई का ये है पूरा यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे इनकी बात की जाए एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम डेट की बात की जाए 22/9/2019 को है, शिफ्ट डी है, रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे का है इनको, और यहाँ पे देखिए इनका राजस्थान में, ठीक है, जयपुर राजस्थान के आसपास इनका जो भी है सेंटर का नाम यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं आप, और यहाँ पर तो और कुछ मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, इनका हॉल टिकट है, ईमेल आईडी सब चीज़ थी, उसके बाद आधार कार्ड, इनका नाम, पापा का नाम, वो भी पिता का नाम, पेरेंट्स नेम दिया गया है, और यहाँ पे मेल सब चीज़ दिया गया आप देख सकते हैं, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, तो जो लोग इच्छुक अगर कैंडिडेट हैं जाइए एकदम मज़ा से एकदम एग्ज़ाम दीजिए, और हम तो यही बोलेंगे कि भगवान के से यही मनाएंगे कि आप लोग का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए यार, किसी एक में भी हो जाए सिलेक्शन बहुत ही बड़ी बात होती है, नेवी में हो जाए या फिर एयरफोर्स में हो जाए, किसी एक में हो जाए हम तो बहुत ही खुश रहेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए एक क्या होता है ना कि बच्चे का जुनून होता है यार, सब लोग को पता है कि बच्चे का जुनून होता है कि हम एयरफोर्स में जाएं, हम नेवी में जाएं, हम किसी का जुनून ये भी होता है कि हम कुक में जाएं, आप जान लीजिए कि हम कुक में बहुत ही मास्टर हैं यार, कुक में जाते कितना मज़ा रहता है, तो सब लोग का अलग अलग जुनून रहता है,
तो इसलिए थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। और टाइम देखिए बहुत ही कम बचा है, सब लोग को पता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट पे ध्यान देना, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देना, खेल कूद बंद कर देना अभी। और जो बच्चे मतलब कि थोड़ा सा अगर स्वास्थ्य से अगर उनको गड़बड़ी चल रहा है, तो थोड़ा सा आप टंच रहिए, खान पान पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, और ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। आप अपने अंदर मतलब कि डिमोटिवेट कभी मत होना लाइफ में, कभी भी अगर सिलेक्शन लेना होगा आप अपने लाइफ में डिमोटिवेट कभी मत होना। आप सोचिएगा कि नहीं यार मुझे इस बार एग्ज़ाम को क्वालिफाई किसी भी हाल में कर लेना है तो कर लेना, ठीक है। आपको एकदम पूरा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इन सारे चीज़ को आप अपना पढ़ाई कीजिए, जो भी कीजिए टाइम से कीजिए, खान पान खेल कूद, हाँ लाइफ में सब चीज़ करना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा कि आप लाइफ में बस सिर्फ पढ़ाई करो, नहीं गलत बात है, आप पढ़ाई भी करो, अपना इंटरटेनमेंट भी थोड़ा बहुत कर लो, सब चीज़ करना ही चाहिए, लेकिन वक्त के हिसाब से अपने लाइफ को देखते हुए कि मेरा लाइफ क्या कह रहा है, कि मेरा लाइफ बर्बाद होगा या फिर आगे जाके बन जाएगा, अपने आप में उसको संभालना पड़ेगा, तब आप एक बड़े इंसान बनेंगे। ये नहीं कि हम अपना फॉर्म भर दिया उसके बाद चलो एग्ज़ाम आया दे लिए तुक्का लगा दिया, पास तो पास नहीं तो फेल तो फेल। नहीं भैया, आपके भी माता पिता का पैसा लग रहा है, आप भी सोचिए थोड़ा सा, सोचिए कि नहीं यार 205 रुपये का एयरफोर्स में गया, 250 का इधर गया, साइबर कैफ वाले कुछ लिया, बुक लिया कुछ, तो यानी कि साल में भी आपको कुछ ना कुछ मतलब कि 1000 रुपये इधर फालतू में तो फॉर्म में निकल जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा ना, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा भैया, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन पर ध्यान देना। एक और चीज़ आपको मैं लेक्चर थोड़ा सा दे लेता हूँ, क्योंकि देखिए और मतलब कि जो लोग अगर नेवी से रिलेटेड बच्चे हैं उनको अगर PDF चाहिए वगैरह सब चीज़ चाहिए, आप मुझे ले सकते हैं कहाँ पे, इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप, सब चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, बुक का भी है, वहाँ पे भी जाके ले लीजिए, ठीक है। और तो हम कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन एक चीज़ और क्लियर कर दें पूरा लास्ट में, थोड़ा सा देख लीजिएगा यार, क्योंकि एडमिट कार्ड आने के बाद सब बच्चे सोचते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, तो इस वीडियो में पूरा आज क्लियर हम कर देंगे पूरा चीज़। आप सबसे सबसे पहले काम कीजिएगा कि देखिए टाइम तो कम बचे, सबको पता है टाइम कम बचा है ना, तो आप एक अपना टाइम टेबल लगा लो आज से, कि एडमिट कार्ड आया गया भैया मेरा, हम एक अपना टाइम टेबल लगा लेते हैं। टाइम टेबल लगाने के बाद आप देखिए मॉर्निंग में प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है। एक प्रैक्टिस सेट ले लो एयरफोर्स का, अगर आप जो इंटरेस्ट है तो एयरफोर्स में जाने का मन है तो एयरफोर्स का लगाओ, दोनों का प्रिपरेशन करो, क्योंकि सिलेबस जो है ना मिलता जुलता है। क्योंकि देखिए AMR में क्या है ना कि AMR का थोड़ा सा हटके सिलेबस है, AMR में मतलब इंग्लिश नहीं आता, ठीक है, ये तो सब लोग को पता है। बट AA SSR एक्स एंड वाई ग्रुप की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग मिलता जुलता सवाल आता है, मुझे भी पता है, मैंने भी पिछली बार दे रखा था तो उसमें मिलता जुलता सवाल आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, उसके बाद महत्वपूर्ण सवाल को जितने भी है उसको इकट्ठा करके किए भी होंगे आप लोग, उसको ध्यान से एक बार रिवाइज कर लेना है। मैथ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना होगा, बहुत सारे वीडियो बनाए हैं यूट्यूब पे, उसको भी देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा ही वीडियो देखिए, सिंपल से सबका वीडियो देखिए, सब लोग का देखिए सजेशन क्या है कैसे है, थोड़ा सा आपको देखना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप मॉर्निंग में प्रैक्टिस सेट लगा लो, उठने के बाद अपना फ्रेश हो जाओ, फ्रेश होने के बाद फिर पढ़ो, क्योंकि टाइम कम है, फिर पढ़ो 2-4 घंटा, इतना पढ़ो लेकिन मन से पढ़ना है। ये नहीं कि हमने अपना पास में मोबाइल रख दिया, अपना गाना भी सुन रहे हैं, उसके बाद अपना चलो भाई प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। जो भी आप स्टडी करना भैया, आप एक टाइम टेबल लगा लेना, और उसके बाद अपना देखना कि हम कितने समय में कितने मार्क्स अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप ये देखिएगा प्रैक्टिस सेट, क्योंकि घर पे क्या होता है ना कि जो बच्चे मान लीजिए घर पे अगर सोच रहे होंगे कि हमको मान लीजिए कि सपोज दैट 10 क्वेश्चंस मिला एग्ज़ाम में, सपोज दैट इसको हमें मुझे 2 मिनट में करना है एग्ज़ाम में, और यहाँ पे घर पे क्या है कि आप पूरा आराम से कर रहे हैं गाना सुन के एकदम सॉन्ग बजा के, चलो इसको 10 मिनट नहीं 20 मिनट में 10 सवाल को हल किया, तो ये कोई फ़ायदा वाली बात नहीं है, ठीक है। आप ये सोचिए कि हम इसको 1.5 मिनट में क्यों ना कंप्लीट कर दें, ये सोचिए आप, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये आपका माइंड में चले कि हम कम समय में अच्छा करें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपका जब जाएंगे आगे आप मतलब जस्ट जस्ट आगे बढ़ेंगे ना तो आपको सिलेक्शन बहुत ही अच्छी से मिलेगी, ये ध्यान बात में रखना, ठीक है। तीसरा बात आपको क्या फॉलो करना होगा, मान लीजिए कि दोपहर हो गया, दोपहर का मैथ का रिवाइज़ करो, ठीक है, दोपहर मैथ का रिवाइज़ करो। मैथ का रिवाइज़ करने के बाद उसके बाद थोड़ा सा GK पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, करंट अफेयर्स पढ़ लो, ठीक है। करंट अफेयर्स का मैंने बुक भी दिए हैं फ्री में, आज हम लंच कर देंगे, अगर जिनको चाहिए ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा कहाँ, टेलीग्राम में, या फिर आप ले सकते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, ठीक है। चौथी बात क्या आती है, शाम हुआ, शाम के बाद फिर प्रैक्टिस सेट 2 लगाइए, 2, 4, 5, 7, 8, 10,
जितना हो सके आप लगा लो, वही बेस्ट रहेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो यही छोटा सा अपडेट था बताने का, 5 टाइम पढ़ो, आराम से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा साइनो एंटोनेम्स पे क्लियर अपना केयर करना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे भी ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से भी सवाल एकदम पूरा रहता है, मतलब दो दो सवाल रहता है। तो बस यही छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना था, और बस यही भाई का एडमिट कार्ड आया तो इतना लेक्चर दे लिया, बट मैंने नहीं देता यार, क्योंकि बच्चे को, बहुत सारे बच्चे को पसंद भी आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी गाली भी, एक पता नहीं बीवी करके यार, वो तो दिमाग ख़राब कर दिया है बच्चा, इतना ख़राब ख़राब कमेंट करता है कि हम उससे डिमोटिवेट हो गए हैं, एकदम पूरा डिमोटिवेट, मतलब कि हम कुछ नहीं बता सकते उसके बारे में। कोई बात नहीं, चलिए आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए, हम भगवान से ही विनती करेंगे कि आप लोग का एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई हो जाए और आपका सिलेक्शन ज़रूर हो के, ठीक है। और बस भगवान से ही मनोकामना मेरा है, मिलते हैं एक और वीडियो में। और सबसे पहले चीज़ की नोटिफिकेशन नहीं जा रहा किसी भी वीडियो का, हम तो इससे पहले डिमोटिवेट हैं कि बच्चे को पढ़ाए तो किस टाइप से पढ़ाए कि उनके पास मेरा मैसेज जाए, नोटिफिकेशन जाए, ठीक है, लेकिन जा नहीं रहा, इसलिए थोड़ा डिमोटिवेशन आ गया है मेरे अंदर भी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम तो प्रयास करते हैं कि इसका भी मुझे पता है कि जाएगा या नहीं जाएगा, अब तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। और जो बच्चा अगर इसे फॉलो कर लेता तो समझो कि एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर पाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो एक लाइक कर देना, अगर ना आए तो एक डिसलाइक भी कर देना, क्योंकि अगर पसंद आए तो तब तो सही बात है, ना आए तब तो वो भी सही बात है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।